भाभी आपको पुश कर रही है ना कि आप वापस मुझे मुराद की तरफ भेजें। देखो भाई ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई फैसला तो करना है ना तुम्हें। कैसा फैसला भाई? देखो अब सारी जिंदगी इस तरह तो नहीं चल सकती ना फरी। भाई आप मेहरबानों को घर से निकालने की बात क्यों नहीं करते मुराद से? वो शख्स मेरा शौहर आपके ही पैसों में पलता रहा है, फिर भी आप डर रहे हैं उससे। डर नहीं रहा, कौन भाई ये चाहता है कि उसकी बहन इस तरह परेशान हो जिस तरह तुम अभी बैठी हो यहाँ पे। मैं बानो मुराद के बच्चे की माँ बनने वाली है, और एक दफा ऐसे हो गया तो मेरी उस घर में कोई हैसियत नहीं रहेगी। काश मैं माँ बन सकती। देखो फरी, तुमने मुराद से शादी अपनी मर्जी से की थी, और अगर तुमसे तलाक देना चाहती हूँ वो भी तुम्हारी चॉइस है। आई टोटली लीव इट अप टू यू। भाईजान अमेरिका से सारा बिजनेस छोड़कर तुम्हारे लिए आ रहे हैं ताकि इस चीज को खत्म करें यार। व्हाई डोंट यू गेट इट? प्लीज अभी भाईजान को बोल दें कि अभी मत आए, रुक जाए, मुझे कुछ सोचने तो दें। ठीक है मैं भाई से बात करता हूँ, तुम ना ख्याल रखो यार। वी लव यू यार, कम ऑन, चीयर अप, कुछ खा लो प्लीज।